हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ एमएस एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, आज हमारे पास यहाँ पे एक है, ये आप देख रहे हैं छोटी सी चीज़ और ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये एक्चुअली में है एक सर्वो टेस्टर, जिसमें आपको इधर टोटल यहाँ पे आपको इस साइड 9 पिन्स मिलती है और इधर 3 पिन मिलती है। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपनी ESC और BLDC मोटर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ESC BLDC मोटर है, ब्रशलेस मोटर है। इसकी हेल्प से आप आसानी से रन कर सकते हैं अपने इस BLDC मोटर को ईजिली, बिना किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर या फिर रिमोट के यूज़ किए। तो डायरेक्टली आप इस मोटर को रन करेंगे इसकी हेल्प से। तो इसके हेल्प से आप सर्वो भी टेस्ट कर सकते हैं, सर्वो को भी मैनुअल मूवमेंट करा सकते हैं इससे। और इसमें तीन कुछ मोड वगैरह भी दे रखा है, तो मोड वगैरह भी हम चेक करेंगे कि इसमें मोड वगैरह कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल चलिए इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा ये सर्वो और इसी टेस्टर वर्क कैसे करता है। सब्सक्राइब टू MS एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस आवर वीडियो। सबसे पहले सर्वो टेस्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी पिन मिलती हैं। तो एक साइड में यहाँ पर 3 पिन मिलती है, जो कि इनपुट पिन है, जिसमें से एक VCC, एक ग्राउंड, एक डाटा पिन है। दूसरी तरफ हमें टोटल 9 पिन मिलती है, जो आउटपुट पिन है, जिस पे हम 3 ESC या फिर 3 सर्वो एक साथ कनेक्ट करके रन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमें एक सेलेक्ट का स्विच मिलता है, पुश बटन स्विच मिलता है, और उसके बगल में हमें मिलता है एक नॉब, और साथ में ऊपर मिलती है 3 LED, जो हमें बताती है कि इस वक्त यह सर्वो टेस्टर किस मोड में है। तो यहाँ पर हमें 3 मोड मिल जाते हैं, ऑटो, मैनुअल और न्यूट्रल। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं सर्वो या फिर ESC लगा के। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 1000 KV की BLDC मोटर, एक 30 एम्पियर की ESC और 9G सर्वो मोटर। ESC से मोटर कनेक्ट करने के बाद से हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बैटरी की, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट की लाइपो बैटरी। और आपको पता होगा कि ESC जो हमारी होती है वो 5 वोल्ट आउटपुट भी देती है। तो इसी ESC से हम पावर करेंगे अपने इस सर्वो टेस्टर को। ESC की डाटा पिन को हमें कनेक्ट करना है सर्वो के आउटपुट में, और फिर अब इसे करते हैं ऑन। जैसा कि आपने देखा कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसके मोड बटन को दबा कर चेक करते हैं कि अलग अलग मोड में ये कैसे वर्क करती है। मोड चेंज करने पे देख सकते हैं क्या चेंजेस आए। न्यूट्रल मोड पे हमारा मोटर जो है 50% स्पीड पे घूमने लगा, और ऑटो मोड पे मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे कम हो रही थी, अप डाउन ऐसे वर्क कर रहा था। अब यहाँ पर हम एक सर्वो लगा के टेस्ट करते हैं कि वो कैसे काम करता है। सर्वो टेस्टर को पावर देने के लिए यहाँ पर हम ESC की ही वायर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनपुट साइड में हमने यहाँ लगा रखी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमने सर्वो को भी टेबल पर फिक्स कर लिया, और अब इसे घुमा के टेस्ट कर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वो काफ़ी फास्ट मूव कर रही है। जैसे जैसे मैं इधर नॉब को मूव कर रहा हूँ, वैसे रियल टाइम में उधर भी मूवमेंट हो रहा है, और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और ऑटो मोड पर करने पर सर्वो ऑटोमेटिक स्टार्ट टू एंड जा रहे हैं, एंड से फिर स्टार्ट आ रही है। अब चेक करते हैं सर्वो और ESC एक साथ लगा के कि दोनों एक साथ वर्क करता है या नहीं। अभी सर्वो और ESC को हम दोनों आउटपुट सेक्शन में कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसको नॉब को घुमा के देखते हैं। आप देख सकते हैं नॉब घुमाने पे मोटर की स्पीड बढ़ रही है, और सर्वो भी मूव कर रहा है। मोड चेंज करने पे मोटर की स्पीड 50% हो गई, और अब मोड हम ऑटो पे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर और सर्वो एकदम एक साथ मूव हो रही है, और सर्वो ऐसे यहाँ पर दिख रही है जैसे एक्सेलेटर का काम कर रही हो। सर्वो आगे जा रही हो तो मोटर की स्पीड बढ़ रही है, पीछे आ रही है तो मोटर की स्पीड स्लो हो रही है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, ये थी बेसिक ESC और सर्वो टेस्टिंग की वीडियो। जैसे आपने देखा, इसमें काफ़ी सारे मोड दे रखा है इन्होंने, कि इसमें आप सर्वो और ESC को परमानेंट ऐसे ऑन करके चला सकते हैं, स्पीड अप डाउन करके चला सकते हैं, या फिर नॉब के हेल्प से आप आसानी से जिस भी स्पीड पर चलाना चाहें अपने BLDC मोटर को आप चला सकते हैं। और इस ESC और सर्वो टेस्टर की हेल्प से हम आने वाले वीडियोस में कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो जो ये डिवाइस है, काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए, अगर आप ESC और सर्वो टेस्ट बेस्ड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिना माइक्रो कंट्रोलर के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।